हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBPN ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत। हमने देखे कहानी पढ़ी थी, कुछ शब्द नए बनाने पड़े थे। आप लोगों ने सबने अपनी बुक में कहानी कर ली होगी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत, और आज उसके आगे का है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन क्या होता है? चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना होता है, उसके बारे में बताना होता है कि चित्र में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर वाक्य भी दिए हुए हैं, चित्र को देखकर नीचे लिखे वाक्य पूरे कीजिए। ये किसका चित्र है आपको दिखाई दे रहा है? किसका चित्र है ये स्क्रीन पे? जी हाँ, सब पहचान गए, गाय। गाय हम सब देखते हैं, गाय का चित्र है। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो अधूरे हैं, इनको हमें क्या करना है? पूरा करना है। गाय का रंग है, कैसा है गाय का रंग? कैसा है गाय का रंग? सफ़ेद। यहाँ लिख देंगे हम सफ़ेद। ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूंगी आपको अच्छे से, इसमें आ नहीं रहा है। नेक्स्ट है, गाय के पांव होते हैं। कितने पांव है देखो, गिन लो, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4। ओके, फिर तीसरा वाक्य है, उसके सींग होते हैं। गाय के कितने सींग होते हैं? गाय के 1 और 2 सींग होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ओके, गाय खाती है। क्या खाती है गाय? यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, गाय क्या खाती है? घास खाती है। क्या खाती है? घास। तो आपको यहाँ लिखना है रिक्त स्थान में, गाय क्या, गाय घास खाती है। तो ऐसे वाक्य बन जाएंगे। गाय हमें देती है, क्या देती है गाय हमें? दूध देती है। गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। तो यहाँ लिख देंगे हम दूध। और गाय हमें दूध देती है, इसी कारण से गाय क्या कहलाती है? हमारी माता कहलाती है। ओके, देखिए हम कुछ बच्चा जो छोटा होता है, थोड़े दिन अपनी माता का दूध पीता है, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल, 3.5 साल, इससे अधिक बच्चा माता का दूध नहीं पीता है। उसके बाद में किसका दूध पिएगा? गाय का। तो बाद में हमेशा हम किसका दूध पीते हैं? गाय का दूध पीते हैं। सोचिए आप, इसीलिए वो हमारी माता कहलाती है। ठीक है, अब इसको भरना कैसे है, मैंने यहाँ पे भर रखा है, देखिए आपको दिखा देती हूँ मैं। ये कर रखा है मैंने, इसी तरह आपको करना है। इसमें मैंने लिख रखा है, गाय का रंग सफ़ेद है। पहला वाक्य क्या है? गाय का रंग कैसा है? सफ़ेद है, इसमें मैंने लिख रखा है। फिर दूसरा है, गाय के 4 पांव होते हैं। कितने पांव होते हैं? 4, लिख रखा है 4 पांव। कितने पांव होते हैं गाय के? आपको ऐसे ही पता है 4 पांव होते हैं, और आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट है, उसके 2 सींग होते हैं। कितने सींग होते हैं? 2। गाय के कितने सींग होते हैं? 2। गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। गाय हमें दूध देती है, क्या देती है? दूध देती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह का कोई भी चित्र हमें दिया जा सकता है। गाय की जगह आपको अगर बकरी का चित्र देते हैं, तो आप वहाँ पे भी आप वर्णन कर सकते हो कि बकरी के 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं। भैंस का भी बता सकते हो, इसी तरह से वर्णन कर सकते हो, भैंस का रंग काला है, भैंस के 4 पांव हैं, 2 सींग है, 2 कान है, आगे तक का वर्णन, भैंस हमें दूध देती है। ठीक है, अगर आपको और भी किसी चीज़ का चित्र दिया हुआ है, प्रकृति का कोई आपको सीनरी दिखाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो कि बगीचा है, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस तरह से चित्रों को देख के उनका वर्णन करना होता है। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, एक तरफ झूले लगे हुए हैं, इस तरह अगर कोई सीनरी दी हुई आपको किसी बगीचे की, तो आप इस तरह से वर्णन कर सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, इसलिए आपको ये याद करना है अच्छे से, और समझना भी है इस चीज़ को। ऐसे नहीं इसी को रटते रहोगे, इसीलिए मैंने आपको दूसरे उदाहरण दे के समझाया है। समझना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद आप इसको याद कर लेना अच्छे से। लिख लिख के याद किया करो, लिखने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो मात्राएं हैं वो कितनी गलत हुई है, क्योंकि मात्राओं की गलतियों की वजह से हिंदी में और इंग्लिश में
स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। सब कुछ बोलना आ रहा है आपको, लेकिन अगर लिखने में गलती कर दी है तो फिर नंबर कट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हुआ चित्र वर्णन, हो गया है आपका। इस चित्र वर्णन को आपको अपनी पुस्तक में करना है, जो व्याकरण की हमारी पुस्तक है व्याकरण निधि, उसमें करना है। आपका जो रचनात्मक लेखन है, अंतिम चैप्टर यही है आपका, लास्ट चैप्टर है, फिर हम करेंगे दोहरान इस पर। तो एक इसके अंदर एक और रह गया है अभी रचनात्मक लेखन में ही, वो भी करेंगे हम। आज ये कर लीजिए आप, नेक्स्ट टाइम वो करेंगे। अच्छे से इसको नोटबुक बुक में लिखेंगे और उसके बाद में नोटबुक में आप लिख देंगे गाय का रंग सफ़ेद है, ये पूरी लाइनें जो है वो नोटबुक में लिख लेंगे। ये लाइनें, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, चित्र आप मत बनाना, लेकिन ये नोटबुक में लिख लेना। मैं आपको PDF भी भेज दूँगी इसकी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।